2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को इन बीते सालों को जनता देखते हुए अपना चुनाव करती है, ये जानने के लिए केकेडी संवाददाता शहबाज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से आगामी चुनाव को लेकर खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत, ये जो है नवलपुर तो चौराहा है। यहाँ अगर कहा जाए छोटी सी मार्केट लगती है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये छोटी मार्केट जो लगती है ज्यादातर अधिकतर लोग जो है मुसलमान वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम केकेडी की टीम आज यहाँ पे मौजूद है और यही जानने की कोशिश करेगी कि 2024 में जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठाने के मूड में है, इस बार जो मुसलमान वर्ग के लोग जो है इस बार किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी जो है मुसलमान वोटरों पे दावा खेलने में लगी है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए एक दूसरे तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी मुसलमान पे दाव खेलती हुई नजर आ रही। मैं आपको बता दूं कि जनपद देवरिया का तलेमपुर क्षेत्र में एक छोटी सी मार्केट है जो कि नवलपुर चौराहा इसको कहा जाता है। यहाँ से लार के लिए और भागलपुर के लिए भी रोड गई हुई है, ये मेन चौराहा है। मैं आपको मेन चौराहे का दृश्य दिखा रहा हूँ, सलेमपुर के नवलपुर चौराहे का दृश्य है। और पीछे साइड जो है सारी मार्केट है, यहाँ सब्जियों की मार्केट लगती है। यहाँ पे अधिकतर लोग जो है मार्केट करने यहाँ पे आते हैं शाम के वक्त। हम लोगों से जानेंगे कि इस बार लोगों के मूड में क्या चल रहा है। इतनी महंगाई, बहुत तरह तरह के जो विपक्ष थी, विपक्ष के लोग बहुत तरह तरह का सवाल जो है सत्ता पक्ष पे किए कि इतनी महंगाई, बेरोजगारी पे क्या जनता के बीच में क्या चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी के जनता क्या सोचती है, इस बार जनता किस मूड में है। ऐसे तो बेरोजगारी और इस बार 24 के चुनाव में जनता क्या सोच रही है और जनता के मूड में क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम जो है इस वक्त सलेमपुर के नवलपुर के चौराहे पे छोटी सी सब्जी मार्केट है वहाँ पे मौजूद है और लोग से हम बात करेंगे और लोग के मन में क्या है ये जानने की कोशिश करने के लिए। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव की तारीख करीब आ रही है, इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको चुनेगी? अभी चुना कहाँ अभी पता चल रहा है। अभी अभी क्या मतलब, अभी कोई डिसाइड अभी कुछ नहीं, अभी कहाँ नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में महंगाई बेरोजगारी का लेकर कोई वो सब तो है ही है, जनता में आक्रोश। हाँ हाँ, आक्रोश है, महंगाई तो है ही है, बहुत चरम पर है महंगाई। कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को के घर में चूल्हा, अगर कहा जाए किचन में सब्जी से लेके तेल मसाला हर चीज महंगा, इसका कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिलेगा। वो तो बाद में मिलेगा, आप क्या करेंगे लोगों तो बाद में, जनता अभी मूड नहीं बनाएगी। हाँ अभी तो देख सकते हैं, ये यहीं के रहने वाले, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी चुनाव आने दीजिए उसके बाद डिसाइड करेंगे। भाई साहब है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं जी? जी, मेरा घर लाखपुर। ये बताइए, 2024 का चुनाव जो है करीब आने वाला है, जनता इस बार जनता के मूड में क्या चल रहा है, इस बार किसकी सरकार? देखिए भैया, हर तरह से लोग जो है माहौल को देख के जो अपना बहुमूल्य वोट जो देते हैं, और चारों तरफ जो है अभी देख ही रहे हैं क्या पोजीशन चल रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जनता के बीच में क्या चल रहा है। आक्रोश तो है सर, उसमें कोई दुविधा नहीं है, गैस पे लगाई, पेट्रोल से लगाई, हर चीज पे जो है पब्लिक परेशान है, ऐसा नहीं है। और उसके नजर देखते हुए पब्लिक ये हर पार्टी लुभावनी वादे करती है, लेकिन जनता को क्या करना चाहिए आपके समझ से? क्या ये मेरे समझ से तो भाई जो बड़ी पार्टी है जैसे उसको डिसाइड लेना चाहिए, तो दो ही पार्टियां हैं बड़ी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी है, तो देख के अपना जो है जनता का मूड क्या है, बदलाव या फिर रिपीट होगी सरकार? देखिए हमको तो लग रहा है बदलाव का कुछ माहौल चल रहा है, बदलाव का जी जी। तो देख सकते हैं ये भाई साहब हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हो सकता है जनता अभी बदलाव के मूड में है, अब आगे चल के देखा जाएगा कि क्या है जनता के मूड में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी का अगर कहा जाए सवाल हर लोगों के मन में है कि महंगाई से लोग त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। और बेरोजगारी अगर कही जाए तो बेरोजगारी तो हर जगह देखी गई है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि बेरोजगारी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष उठाती रही है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग क्या करते हैं ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन हमने जिनसे भी बात की है साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जनता इस बार बदलाव करेगी।